तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कॉपीराइट होता क्या है और कॉपीराइट कितने प्रकार का होता है और किस कॉपीराइट से आपका चैनल हो सकता है डिलीट। तो कॉपीराइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप वीडियो बनाते हो या दूसरे की वीडियोस अपलोड कर रहे हो कॉपी पेस्ट एडिटिंग करके थोड़ा, तो किस प्रकार से एडिटिंग करनी है जिससे कॉपीराइट से बचा जा सके। तो अब तो 2024 में यूट्यूब ने एक और पॉलिसी निकाल दी है कि आप अगर दूसरे की वीडियोस पर वॉइस ओवर कर रहे हो, दूसरी वीडियो ली, डाउनलोड की, उस पर अपना वॉइस ओवर कर रहे हो, तो भी वो उस पर भी कॉपीराइट आएगा ही आएगा, डायरेक्ट ब्लॉक कर देगा यूट्यूब। तो इस प्रकार की समस्या से किस प्रकार से बचा जाए और कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं, कॉपीराइट क्या, कॉपीराइट से क्या क्या हानि है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो कॉपीराइट होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है कॉपीराइट और एक होता है कॉपीराइट क्लेम, एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल की बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉपीराइट स्ट्राइक है। अगर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है, YouTube डिलीट कर देता है। और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है? कॉपीराइट क्लेम वो होता है कोई पर्टिकुलर या किसी की वीडियो क्लिप ली हो या कोई ऐसा इमेज लिया हो जो कि कॉपीराइट फ्री नहीं हो, तो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, दूसरा बंदा आपके चैनल पे क्लेम कर देता है। ये था कॉपीराइट क्लेम। और कॉपीराइट खाली होता है किसी बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ, कोई ऐसा इमेज हुआ, कोई ऐसा पार्ट हुआ, कोई ऑब्जेक्ट हुआ, एलिमेंट हुआ, उस पर अगर कॉपीराइट फ्री नहीं है वो एलिमेंट, उसका ओनर आप पे कॉपीराइट डाल सकता है। तो इस प्रकार से आता है कॉपीराइट। ये तीनों चीज होते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट। तो मैंने आपको कॉपीराइट के बारे में भी सारा कुछ बता दिया, कॉपीराइट क्या क्या होता है और कॉपीराइट से क्या क्या हानि है ये भी बता दी, किससे आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा, क्या होता है। अब कॉपीराइट से बचा कैसे जाए? कॉपीराइट से बचने के 2 उपाय हैं। अगर आप दूसरे की वीडियोज यूज कर रहे हैं तो उस पर अपना फेस रिएक्शन दीजिए, उसकी वीडियोज को शॉर्ट में दिखाइए। आप जैसे कि एक स्क्रीन ली तो उसकी जो है दूसरे की वीडियो को कम स्पेस में दिखाइए और अपनी जो है उसको ज़्यादा स्पेस में रखिए, ज़्यादा स्क्रीन दीजिए अपनी वीडियो को और आप फेस रिएक्शन दीजिए उस वीडियो पे। या आप वीडियो चला रहे हैं उसके ऊपर वॉइस ओवर करके अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, अपना कैमरा से रिकॉर्ड करना है, इस प्रकार से आपको कॉपीराइट से बच सकते हो, समझे। ये होता है कॉपीराइट से बचने का तरीका। अगर आप दूसरे की वीडियो यूज करोगे तो कॉपीराइट ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर आप YouTube पे सक्सेस होना चाहते हो, YouTube से पैसे कमाना चाहते हो, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं गाइस।